दोस्तों आज हम बात करेंगे राधिका मर्चेंट की ज्वेलरी के बारे में, जो उन्होंने ईशा अंबानी के रिसेप्शन और अपनी बहन अंजलि मर्चेंट की शादी में पहना था। ये ज्वेलरी सेट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और ख़ास था। तो बिना किसी देर के लिए चले शुरू करते हैं। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें राधिका मर्चेंट ने ईशा अंबानी के रिसेप्शन 2018 में ये खूबसूरत पोल की नेकलेस और मांगटीका पहना था। ये ज्वेलरी सेट उनकी ब्यूटी को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर रहा था। पोलकी का मतलब होता है अनकट डायमंड, जिसने इस सेट को और भी ज़्यादा यूनिक बना दिया था। दोस्तों इस नेकलेस और मांगटीका में इंट्रिकेट पोलकी वर्क है, जो ट्रेडिशनल इंडियन ज्वेलरी का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। पोलकी डायमंड्स की रॉ और अनकट ब्यूटी इन पीसेस को और भी ज्यादा इलेगेंट बना रही थी। ये ज्वेलरी सब्यासाची के कलेक्शन से है, जो अपने ट्रेडिशनल कंटेम्प्रेरी डिजाइन के लिए मशहूर है। दोस्तों तो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि राधिका ने ये सेम ज्वेलरी अपनी बहन अंजलि मर्चेंट की शादी में भी रिवेयर की थी। ये तस्वीर दिखाती है कि राधिका ने अपनी बहन का पोल की कंदन चौकर, इयररिंग्स, मांग टीका और हाथ फूल पहना। ये एक ब्यूटीफुल गेस्चर था, जो उनकी बहन की यादों को सेलिब्रेट करता है। दोस्तों ये चौकर नेकलेस जो अंजलि ने अपनी शादी में पहना था, राधिका के ऊपर भी उतना स्टनिंग लग रहा था जितना उनकी बहन पर लग रहा था। इस पोल की कंदन चौकर की ब्यूटी और क्राफ्टमैनशिप उनका इम्पेसिबल टेस्ट दिखाती है। अंजलि मर्चेंट ने ये चौकर अपनी शादी के लिए पहना था, जो 2020 में हुई थी। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि फैमिली हेयरलूम्स और ज्वेलरी को रिवेयर करना एक ट्रेडिशनल बन गया है, जो सिर्फ उन पीसेस की ब्यूटी को ही नहीं बल्कि उनकी सेंटिमेंटल वैल्यू को भी रिप्रेजेंट कर रहा था। राधिका और अंजलि ने इस ट्रेडिशन को बहुत ही खूबसूरती से निभाया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो राधिका मर्चेंट के खूबसूरत ज्वेलरी सेट के बारे में। तो आपको ये ज्वेलरी सेट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।